मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। इस समय मैं आपको करवा रही हूँ स्टोर कीपर टेक्निकल के ऑल टॉपिक कवर। जो MCQs हैं उसमें लगभग सब टॉपिक्स मिक्स हैं, ऐसे पर्टिकुलर हमने टॉपिक नहीं अब बाइफरगेट किए हैं, तो इसमें सब कुछ मिक्सिंग है। उसमें अकाउंटिंग भी आ जाएगा, फिनेंस भी आ जाएगा, सिक्योरिटी भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एक क्लास इसकी मैं दे चुकी हूँ, आज एक और क्लास दे रही हूँ, तो रेडी, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल सर्विस एट्रीब्यूट। सर्विस और गुड्स दो तरह की चीजें होती है प्रोडक्शन में, हमेशा ध्यान रखना। अब चार ऑप्शन जब दिए जा रहे हैं तो पूछा ये जा रहा है कि सर्विस का कौन सा ऐसा इन चारों में से एट्रीब्यूट है जो सर्विस से रिलेटेड नहीं है। जैसे इनटेंजिबल प्रोडक्ट, तो क्या वो सर्विस से रिलेटेड है इनटेंजिबल प्रोडक्ट? बिल्कुल है। इजी टू स्टोर, क्या इसे आसानी से स्टोर किया जा सकता है? अभी सोचते हैं। कस्टमर इंटरेक्शन इज हाई, सर्विसेज में कस्टमर के साथ में जो इंटरेक्शन होता है या बातचीत होती है वो बहुत ही उच्च स्तर की होती है। यानी ऐसा नहीं हो सकता हमने बात नहीं भी की तो भी हमने अपनी सर्विसेज दे दी। और एक साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन होता है वैसे वैसे इसका कंजम्पशन होता रहता है। देखो, सर्विस में ये सारी चीज़ें होती है, प्रोडक्शन के हिसाब से कंजम्पशन और कंजम्पशन के हिसाब से प्रोडक्शन होता रहता है। एक चीज़ ये इनटेंजिबल होता है, दूसरी चीज समझ में आता है। अब ये बाकी दो में आपका कंफ्यूजन हो सकता है। एक तो है जो कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन है वो बहुत हाई होता है, और एक है कि इजी टू स्टोर, इसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है। सर्विस को कभी भी आसानी से स्टोर नहीं किया जा सकता। जस्ट इमेजिन आई एम अ टीचर एंड आई एम गिविंग यू अ लेक्चर, तो हाउ कैन यू स्टोर? मेरी बात को आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो हमेशा मैं ऐसा ही नहीं पढ़ाऊंगी। अगर इसी टॉपिक को मैं वापस से पढ़ाऊंगी तो मेरा स्टाइल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं टाइप्ड नहीं हूँ, समझ रहे हैं? मैं रिकॉर्डेड नहीं हूँ। मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैं मेरी जो इंटेलिजेंसी है उसको क्विकली यूज करते हुए पढ़ा रही हूँ। तो माई सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर, यू कैन स्टोर माई लेक्चर। आप समझ रहे हो, आप मेरे लेक्चर को स्टोर कर सकते हो लेकिन मेरी सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, मेरी टीचिंग को स्टोर नहीं कर सकते। एक लेक्चर को स्टोर किया जा सकता है, यहाँ ये चीज समझ में आनी जरूरी है। तो इसका सही आंसर है कि सर्विस को जो कहना चाहिए, इसका ये एट्रीब्यूट इससे मैच नहीं होता है, वो कहता है इट इज इजी टू स्टोर, ये इससे मैच नहीं होता है। आप प्रोडक्ट को या गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, सर्विसेज को नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, हम उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन है इंक्रीजिंग इनपुट्स व्हाइल होल्डिंग आउटपुट स्टेडी। अगर आउटपुट को हम स्थिर बना के रखें और इनपुट को हम बढ़ा दें तो हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। एक डिक्रीजिंग आउटपुट व्हाइल होल्डिंग इनपुट्स स्टेडी, अगर हम आउटपुट को घटा दें और इनपुट को बढ़ा दें। एक है इंक्रीजिंग इनपुट एंड आउटपुट इन द सेम प्रपोर्शन, हम सेम अनुपात में अगर इन दोनों के जो इनपुट और आउटपुट है उन दोनों को ही बढ़ा दें, या ये कहता है डिक्रीजिंग इनपुट व्हाइल होल्डिंग आउटपुट स्टडी, अगर हम इनपुट्स को डिक्रीज कर दें और आउटपुट को स्थिर रख लें तो। तो अब आप सोच के देखो, उत्पादकता को हम कब बढ़ा सकते हैं? हमेशा अगर हमने इनपुट को डिक्रीज कर दिया है जबकि हमने आउटपुट को स्टडी किया है तो हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, ठीक बात है। इनपुट को हमने डिक्रीज किया है, जो चीज़ें हम डाल रहे थे उनको हमने कम कर दिया है, और जो आउटपुट है वो हमारा लगातार वैसा का वैसा ही है, तो इसका मतलब हम अपनी उत्पादकता को बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, इन इंटरमिटेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर, अगर इंटरमिटेंट जिसमें बीच बीच में एक गैप आता है, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में हम गुड्स को प्रोड्यूस जब करते हैं किस हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं? स्टोरिंग के हिसाब से, प्रोसेसिंग के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से, या ओन कंजम्पशन के हिसाब से? तो इसको हमेशा इंटरमिटेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसको हम ऑर्डर के आधार पर इसको काम में लेते हैं। इसमें प्रोडक्शन ऑर्डर के आधार पर होता है, क्रम के आधार पर होता है। इंटरमिटेंट में पहले इस मशीन से उस मशीन पे, फिर उस मशीन से नेक्स्ट मशीन पे, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट, ठीक है, ये होता है।
अब आगे क्वेश्चन है, व्हाट मे बी डिफाइंड एज अ रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, आउटपुट और इनपुट के बीच का रेशियो क्या होता है? आउटपुट और इनपुट के बीच का रेशियो होता है प्रोडक्टिविटी, ना तो वो प्रोडक्शन होता है, ना वो बैच प्रोडक्शन होता है, ना वो जॉब प्रोडक्शन होता है, वो होता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, उत्पादकता बोलते हैं इसको। अब ये एक क्वेश्चन आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द पाथ ऑन विच मटीरियल मूव फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश नोन एज, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जब एक सामग्री या मटीरियल जो है वो पहले वर्क स्टेशन से लास्ट वाले वर्क स्टेशन तक मूव करता है, हम उसे क्या बोलते हैं? तो ध्यान दो, ऑप्शन है हमारे पास में, शेड्यूलिंग बोलते हैं, रूटिंग बोलते हैं, डिस्पैचिंग बोलते हैं, या सीक्वेंसिंग बोलते हैं। ध्यान रखना, शेड्यूलिंग में एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पर मूव जब करता है मटीरियल, उसी बात को हम शेड्यूलिंग कहते हैं, एक शेड्यूल में मूव करता है, तो प्रोसेस कौन सा कहलाएगा? शेड्यूलिंग कहलाएगा। आगे है, प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल कहाँ से शुरू होता है, कब शुरू होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल? पॉइंट है हमारे पास में ऑप्शन, रूटिंग से, एस्टिमेटिंग से, शेड्यूलिंग से, या एक्सपेडिटेटिंग से। तो देखो, ये हमेशा एस्टिमेटिंग से, हमेशा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल शुरू हो जाता है, जिस दिन जिस समय आप अनुमान लगा रहे हो उसी दिन से उस पर कंट्रोल भी और प्लानिंग भी शुरू हो जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच हेल्प टू कीप प्लांट मशीनरी एंड अदर फैसिलिटीज इन गुड वर्किंग कंडीशन, प्लांट को, मशीनरी को, या किसी अलग दूसरी फैसिलिटीज को अगर हम अच्छी अवस्था में बना के रखना चाहते हैं तो क्या चीज कहलाएगी, इन चारों में से वो क्या ऐसी चीज कहलाएगी जिसमें हम हर चीज को अच्छे से रख पाते हैं? क्या वो मैनेजमेंट कहलाएगा, क्या वो मेंटेनेंस कहलाएगा, क्या वो मटीरियल कहलाएगा, या क्या वो मैकेनिक कहलाएगा? ऑब्वियस है, मेंटेनेंस कहलाएगा, रख रखाव कहते हैं अपन इसको, ठीक है। अब आते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लांट मेंटेनेंस डजंट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी प्लांट का जो मेंटेनेंस है इनमें से कौन सा ऐसी बात है जो प्लांट मेंटेनेंस में काउंट नहीं होती? देखो, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, हमारे उस प्लांट में अभी जो इक्विपमेंट है या मशीनरी है उन सब का रख रखाव करना इसमें शामिल होगा। एक जो ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग है उसका ऑल्टर करना, एक छोड़ के एक काम को करना, वो अगर ये कहते हैं सेलिंग ऑफ ओल्ड मशीन्स, पुरानी मशीनों को बेचना, क्या वो हमारा प्लांट मेंटेनेंस में काउंट होगा या नहीं होगा? और एक है इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन, कि जो भी उपकरण है उनका ना केवल हम निरीक्षण करेंगे बल्कि उनका लुब्रिकेशन भी करेंगे, तेल वगैरह देना उनको, जो ग्रीसी ट्रीटमेंट देना होता है उसको लुब्रिकेशन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सी चीज नहीं काउंट होगी किसी भी प्लांट के मेंटेनेंस में? तो देखो, पुरानी मशीन को बेचना जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी मशीन को तेल देना या मशीन का ऑल्टरेशन से यूज करना या मशीन का इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना, वो सब इसी में प्लांट के मेंटेनेंस में काउंट होता है, ठीक है। अब एक है क्वेश्चन हमारे पास में, VED, वैड, वैड एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर, आपको ध्यान आ रहा होगा मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टाइप्स बताए थे जिसमें ABC, HML, WAD, ये सारे FSN, ये सब आते हैं, उसी में पूछ रहा है WAD एनालिसिस जो है इंक्रीजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, उसका पूरा मतलब क्या होता है? अब आपको बताना है, मैं ऑप्शन पूछ रही हूँ, वाइटल, असेंशियल एंड डिजायरेबल, वैल्यूएबल, ईजी और डिफिकल्ट, वेरी असेंशियली और डिस्ट्रिक्ट डिजायर्ड, या वैल्यूएबल, इफेक्टिव और डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। VED की तीनों, चारों में तीनों की फुल फॉर्म आई है, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए, कई लोगों का तो सही आंसर भी आया होगा जरूर, वाइटल, असेंशियल एंड डिजायरेबल होगा इसका सही आंसर। वैड का पूरा मतलब होता है वाइटल, असेंशियल एंड डिजायरेबल, एक होता है बहुत ज्यादा मात्रा में हम चीज को यूज करेंगे, एक होता है असेंशियल है करना ही पड़ेगा, और एक है डिजायरेबल, ऑप्शन हम चाहे तो करें चाहे तो ना करें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट का कौन सा एक इसमें से काम है? नंबर ऑप्शन का है सेलिंग फिनिश गुड्स,
हम तैयार माल को बेचें, क्या ये मटेरियल मैनेजमेंट का काम है? कलेक्शन ऑफ बैड डेब्ट्स, जो कर्जे होते हैं उनका कलेक्शन करें, या रिसीविंग एंड वेयर हाउसिंग की चीजें हम सप्लायर से ले और उनको स्टोर करें, या मैनेजिंग कैश फ्लोस, या कैश फ्लो को हम मैनेज करें। समझ में आ जाएगा आपको, और मेरे हिसाब से आपका कईयों का आंसर सही भी गया होगा। एक्चुअल जिन लोगों ने इसका आंसर दिया, रिसीविंग एंड वेयर हाउसिंग इज द राइट आंसर, राइट, कि मटेरियल मैनेजमेंट का जो एक महत्वपूर्ण काम है वो है रिसीव करना और उसको स्टोर करना, वेयर हाउसेज यानी बड़े बड़े गोदामों में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है मटेरियल हैंडलिंग का, अभी मटेरियल मैनेजमेंट का करा है, अब है मटेरियल हैंडलिंग का। डैश मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस इज यूज्ड टू मूव द मटेरियल ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड वेट्स, अगर अलग अलग साइज के या अलग अलग वजन के जो मटेरियल है उनको मूव करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो हम क्या चीज यूज करते हैं, इसके लिए क्या औजार यूज करते हैं? तो हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है इंडस्ट्रियल ट्रक्स, क्या जो उद्योगों में काम आने वाले ट्रक्स होते हैं वो, ट्रॉली, या क्रॉलर्स, या क्रेन्स। तो क्रेन्स का मदद लिया जाता है जब हम अलग अलग साइज के और अलग अलग वजन की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, तो क्रेन्स की सहायता से हम उस मटेरियल का हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। अब आगे की बात, द मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस विच मूव्स मटेरियल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, दो मुख्य स्थिर पॉइंट्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दोनों जगह पता है कि यहाँ से यहाँ जाना है, तो ऐसे में हम क्या चीज यूज करेंगे? कन्वेयर्स यूज करेंगे, क्रेन्स यूज करेंगे, होइस्ट यूज करेंगे, या ट्रक्स यूज करेंगे? यहाँ आंसर कन्वेयर्स। जब भी दो पॉइंट आपके फिक्स है और आपको मटेरियल को मूव करवाना है, हैंडलिंग करनी है उसकी, तो कन्वेयर्स की सहायता से आप एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक माल को लेके जाते हैं। ये आपको पढ़ाया गया था कन्वेयर्स में क्या है, क्रेन्स में क्या होता है। आगे क्वेश्चन है, मैनेजर ऑफ इन्वेंट्री वुड मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन, कि जो इन्वेंट्री का एक मैनेजर होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, किस जगह उसका मेन काम होता है? फाइनेंस फंक्शन में होता है, मार्केटिंग फंक्शन में होता है, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन में होता है, या इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन में होता है? आपको खुद को समझ में आ जाएगा इन्वेंट्री का काम है, ऐसा मैनेजर कौन सा होता होगा, ऑब्वियस है मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन का काम करेगा वो, तो इन्वेंट्री मैनेजर का मुख्य काम कहाँ पे आएगा? ना ही तो फाइनेंस में, ना ही तो मार्केटिंग में, और ना ही तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में इसका मुख्य काम होगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, 4M में से क्या शामिल नहीं है? देखो वैसे हम 5Ms पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, आपको 5Ms बहुत जरूरी होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, मैन, मनी, मटेरियल, मार्केट एंड मेथड। फिर से बता रही हूँ, मैन, मनी, मार्केट, मटेरियल एंड मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में आता है कि मैन, मटेरियल, मैसेज और मशीनरी, अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो 4M में नहीं आएगा? तो ऑब्वियसली मैसेज नहीं आएगा, मशीन भी जरूरी है, मैन भी जरूरी है, मटेरियल भी जरूरी है ना, ये हो गया। अब आगे की बात करते हैं, कौन सी स्टडी कंसर्न होती है जो ये पता लगाती है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए कितना समय हमें जरूरत पड़ेगी, कितने समय की हमें जरूरत पड़ेगी, ये सुनिश्चित करने वाले स्टडी का क्या नाम होता है? मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी, या टाइम स्टडी? आपको मैं बता दूं, F.W. टेलर ने ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थी, थ्योरीज थी जो दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट और टाइम स्टडी और वर्क स्टडी के लिए, बहुत बहुत मुख्य रूप से जाने जाने वाले जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, दैट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, टेलर की ये थ्योरीज हैं। तो उन्होंने ये कहा था, टाइम स्टडी के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं किसी निश्चित काम को करने के लिए कितना समय निश्चित होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम डेवलप करने के लिए, ताकि हमें ये पता चले कि एक व्यक्ति जब उस काम को पूरा करता है तो कितने समय में पूरा करता है, स्टैंडर्ड टाइम से कम में या स्टैंडर्ड टाइम से बहुत ज्यादा में, तभी हम उसकी कॉस्टिंग निकाल पाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कॉस्टिंग निकालने के लिए ही टाइम स्टडी की जरूरत होती है, टाइम स्टडी दी थी F.W. टेलर ने, और इसका मुख्य जो काम था वो यही था कि किसी भी काम को करने में क्या निश्चित समय होना चाहिए वो पता लगाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्बलिंग, THERBLIGS, थर्बलिंग वाज कॉइंड बाय, किसने दी थी थर्बलिंग की थ्योरी, किसने दी थी? अब आपको मैं बता दूं, टेलर ने जब काम किया था उस टेलर के ही काम को आगे बढ़ाने वाले जो उनके असिस्टेंट थे वो थे गिलबर्ट,
और गिलबर्थ ने जो काम किया था उसने अपनी इस थ्योरी का नाम अपने ही नाम के लेटर्स को जंबल करके दिया था। गिलबर्थ, उन्होंने अपने ही नाम के जो लेटर्स थे उनको यूज किया, केवल जंबल कर लिया, आगे पीछे कर लिया और थ्योरी का नाम दे दिया थर्बलिंग। तो आपसे क्वेश्चन ये आता है अगर कि थर्बलिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शन है आपके पास टेलर ने दी थी, गिलबर्थ ने दी थी, हेनरी फोर्ड ने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। बिल्कुल, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट आप लोग हैं उनको तुरंत पता चल जाएगा कि ये थ्योरी दी थी थर्बलिंग, ठीक है, थर्बलिंग की थ्योरी दी थी गिलबर्थ ने। तो गिलबर्थ के नाम की स्पेलिंग का उल्टा पुल्टा होकर ही थर्बलिंग थ्योरी का नाम पड़ा है, ठीक है, ये याद भी रखना। अब आगे है, क्या चीज रिकॉर्ड करती है ग्राफिकली या डेमो डायग्रामेटिकली इन सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट जो कनेक्शन है आपस में विद द प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के जो कनेक्शन है उसके आपस में मूवमेंट के सीक्वेंस को तय करने वाला, चाहे डायग्राम हो चाहे वो ग्राफ हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस चार्ट कहते हैं, रूट चार्ट कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं, या हैंडलिंग चार्ट कहते हैं? आपको समझ में आ रहा होगा, इसको हम प्रोसेस चार्ट कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। देखो आपको मैं बता दूं, जब जब हम मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट या स्टोर मैनेजमेंट या मटेरियल हैंडलिंग की बात करेंगे, आपको टेलर की ये टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी काफी इंपॉर्टेंट होगी। कई बार इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। आज की क्लास में मगर एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन मेथड स्टडी। जो मेथड स्टडी टेलर ने दी थी उसका पहला स्टेप क्या है? तो आप ऑप्शन है आपके पास में, एग्जामिन द फैक्ट्स की चीजों को, तथ्यों को हम एग्जामिन करें, या रिकॉर्ड द प्रेजेंट मेथड, जो हमारा प्रेजेंट मेथड है उसको रिकॉर्ड करें, या बेस्ट मेथड को डेवलप करें, या वर्क स्टडी को सेलेक्ट करें। तो आपको ध्यान होना चाहिए मेथड स्टडी में हम सबसे पहले ये करते हैं, सेलेक्ट द वर्क टू स्टडी। किस काम को हमें स्टडी करना है, इस चीज का सिलेक्शन किया जाए। ऑप्शन फिर से ध्यान से सुनो, यहाँ था कि हम क्या तथ्यों का एग्जामिनेशन करेंगे, या हम प्रेजेंट मेथड को रिकॉर्ड करेंगे, या हम बेस्ट मेथड को डेवलप करेंगे, या जिस काम को करना है उस जिसकी स्टडी करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा, मेथड स्टडी में सबसे पहले हम सेलेक्ट द वर्क टू स्टडी करते हैं, जिसकी स्टडी करनी है उस काम का हम सिलेक्शन करेंगे। ये है हमारा आज की क्लास के लिए जो हमने एमसीक्यूज किए हैं वो। इसमें मटेरियल हैंडलिंग भी आ रहा है, टाइम स्टडी भी आ रहा है, मेथड स्टडी भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो अंदरूनी रूप से इसमें जुड़ी हुई है। आप इन्हें सेपरेट मत करना और आराम से अपने नोट्स बना के अगर पढ़ोगे तो ये जरूर आपको अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में फायदा देगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।